अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चोलिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज एडमिशन 2022 के बारे में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हमारे पास इस यूनिवर्सिटी के अंदर कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं, एडमिशन के लिए अवेलेबल हैं, इनके लिए हमने अप्लाई किस तरह से करना है, इनका हमारे पास फीस स्ट्रक्चर क्या होगा। एट द एंड जो है आपको एडमिशन के बारे में जो सभी इन्फॉर्मेशन है वो इस वीडियो में मिल जाएगी। सबसे पहले जो है मैंने यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन किया, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं एडमिशन फॉर 2022 का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा। अब अगर हम बात करें इसमें अवेलेबल प्रोग्राम्स की, तो उसके लिए जो है मैंने इसका जो एडवर्टाइजमेंट फॉर्म मैंने डाउनलोड किया हुआ है, तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं एडमिशन हमारे पास यहाँ पर फॉल 2022 के। और अगर हम बात करें इसमें अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की, तो यहाँ पर फैकल्टी ऑफ वेटरनरी साइंस के अंदर हमारे पास जो है वो डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन है मॉर्निंग प्रोग्राम, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर BS अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी है मॉर्निंग एंड इवनिंग प्रोग्राम है। देन हमारे पास यहाँ पर जो है BS मेडिकल लेबॉरटरी टेक्नोलॉजी है मॉर्निंग एंड इवनिंग प्रोग्राम है ये भी। एंड फैकल्टी ऑफ बायो साइंस के अंदर हमारे पास यहाँ पर BS बायोकेमिस्ट्री है मॉर्निंग एंड इवनिंग प्रोग्राम है। BS फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी मॉर्निंग एंड इवनिंग। BS जूलॉजी है ये भी सेम मॉर्निंग एंड इवनिंग प्रोग्राम है। BS बायोलॉजिकल साइंस ये हमारे पास मॉर्निंग प्रोग्राम है। BS बायोटेक्नोलॉजी है, BS केमिस्ट्री, और यहाँ पर जो है वो BBA अवेलेबल है मॉर्निंग प्रोग्राम में। BS कंप्यूटर साइंस है जी। BS जूलॉजी फिफ्थ सेमेस्टर से स्टार्ट हो रहा है इनटेक, मॉर्निंग क्लासेज है हमारे पास। फिर हमारे पास आता है BS ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स है, एंड फैकल्टी ऑफ एनिमल प्रोडक्शन एंड टेक्नोलॉजी के अंदर हमारे पास यहाँ पर जो है वो BS पोल्ट्री साइंस है मॉर्निंग एंड इवनिंग प्रोग्राम के अंदर। और फिर हमारे पास BS एनिमल साइंस है मॉर्निंग प्रोग्राम में। फिर हमारे पास यहाँ पर डिपार्टमेंट आता है पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स का मॉर्निंग प्रोग्राम में, सभी के सभी इसमें हमें करवा रहे हैं MPhil एनिमल न्यूट्रिशन है, MPhil बायोकेमिस्ट्री, MPhil लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट, MPhil माइक्रोबायोलॉजी, MPhil पोल्ट्री साइंस, MPhil जूलॉजी, PhD जूलॉजी। फिर हमारे पास यहाँ पर अगर हम बात करें इसके डिप्लोमा एंड शॉर्ट कोर्सेज की, तो यहाँ पर जो है वो लाइफ स्टॉक असिस्टेंट डिप्लोमा करा रहे हैं मॉर्निंग इवनिंग प्रोग्राम का, पोल्ट्री असिस्टेंट डिप्लोमा है मॉर्निंग में, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्नीशियन है मॉर्निंग प्रोग्राम में, और डेयरी फार्म मैनेजर है मॉर्निंग प्रोग्राम के अंदर, पोल्ट्री फार्म मैनेजर है मॉर्निंग प्रोग्राम में, विलेज वेटरनरी वर्कर है मॉर्निंग प्रोग्राम के अंदर, और ICT बेस्ड लाइफ स्टॉक एजुकेशन है, ये हमारे पास ऑनलाइन प्रोग्राम है। अगर हम बात करें इसमें अप्लाई की कि हमने अप्लाई किस तरह से करना है, तो उसके लिए हमारे पास इसका एडमिशन शेड्यूल है, और इसमें लिखा हुआ कि इनका जो है ऑनलाइन अप्लाई वाला जो सिस्टम है वो स्टार्ट होगा 10 जुलाई 2022 से, और हमारे पास अप्लाई की जो लास्ट डेट है वो 31 अगस्त 2022 है, ठीक है। तो 10 जुलाई से 31 अगस्त के बीच जो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें इसके फीस स्ट्रक्चर की, तो हमारे पास यहाँ पर जो है सभी डिपार्टमेंट का जो फीस स्ट्रक्चर है वो लिखा हुआ है, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और DVM 5 साल है मॉर्निंग, BS MLT जो प्रोग्राम्स है मॉर्निंग और इवनिंग डिग्री प्रोग्राम, सभी के फीस स्ट्रक्चर हमारे पास यहाँ पर है। आप जैसे देख सकते हैं हमारे पास जो है इसकी रजिस्ट्रेशन फी हमारी 1 टाइम 6,000 बनती है, मॉर्निंग की इवनिंग की भी 6,000 है, एडमिशन फी आपकी 6,000 बनती है, यूनिवर्सिटी सिक्योरिटी आपकी 2,400 है, ठीक है, ID कार्ड फी 240, ठीक है, और टोटल यहाँ पर इन्होंने आपका दिया हुआ कि इसका 41,000 बनता है, इसका 32,000 बन रहा है, ठीक है, सेकेंड सेमेस्टर की। और बाकी डिटेल हम पेज को स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं, जैसे BS का BS MLT एक्सेप्ट MLT के अलावा सभी भी जो BS प्रोग्राम्स हैं उनका फीस स्ट्रक्चर यहाँ पर चेक कर सकते हैं। टोटल जो ट्यूशन फी है वो 44,000 बनती है, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर की, सेकेंड की 29,700, थर्ड की इनके पास लिखी हुई है 73,700 एंड यहाँ पर ड्यू टू बी पेड यहाँ पर लिखी है 59,400 रुपीज़, ठीक है। तो जो फीस स्ट्रक्चर आपको सभी प्रोग्राम्स का, जैसे हमारे पास BS कंप्यूटर साइंस जो फीस स्ट्रक्चर आप यहाँ से मिल सकता है, रेगुलर वालों को यहाँ पर इन्होंने बताया 41,250 पे करना पड़ेगा, ठीक है, सेकंड सेमेस्टर जो है ऑनवर्ड आप जो है 36,850 रुपये पे करेंगे, और बाकी प्रोग्राम्स हो गए पोस्ट ग्रेजुएट में आप चेक कर सकते हैं, इनके जो आपके पास ग्रैंड टोटल बन रहा है वो 52,000 बन रहा है, उसके बाद आप ऑनवर्ड 37,000 रुपये पे करेंगे। और प्रपोज्ड फीस स्ट्रक्चर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम जो है PhD वाले, इनका जो फीस स्ट्रक्चर दिखा हुआ यहाँ पर 57,000 है 42,000, तो फीस स्ट्रक्चर आपके यहाँ से हो जाएगा। अभी अगर बात करें अप्लाई ऑनलाइन की, तो उसके लिए जो आपने इस पेज पर आना है, यहाँ पर आप अपने CNIC नंबर लिखेंगे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, पासवर्ड एंड कन्फर्म पासवर्ड लिखेंगे आप, ठीक है। उसके बाद जो आप इसमें अकाउंट क्रिएट कर लेंगे और देन आप यहाँ पर लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आपके सामने इसका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, उस एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर आपको जो अपना डाटा पुट करना पड़ेगा, आपका मतलब डेट ऑफ बर्थ वगैरह, इस तरह की आपकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आपका एड्रेस वगैरह, फ़ोन नंबर, इस तरह की डिटेल आप देंगे। फिर आप अपने एजुकेशन इन्फॉर्मेशन देंगे कि आपने जो है मैट्रिक कहाँ से की, इंटरमीडिएट कहाँ से की, कितने नंबर आए, इस तरह की जो बेसिक चीज़ें होती है वो आप बताएंगे, और एट द एंड जो आपने प्रोग्राम प्रेफरेंस पर क्लिक करके प्रोग्राम चूज़ करना है और इसमें सिंपली अप्लाई कर लेना, ठीक है जी। तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी, उम्मीद आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आएगी और अच्छी भी लगी होगी। अब अगर आपके माइंड में इस वीडियो के मतलब कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।